गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज बनाएंगे हम भरवा टिंडे। बहुत अच्छे बनते हैं, जो नहीं खाता वो भी खाएगा, लेकिन जब इस प्रकार से आप बनाओगे तो खाएंगे। कि जब टेस्ट अगर जिसको अच्छा नहीं लगता है तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे देना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ तैयारी। ये है हमारे पास कम से कम 400 ग्राम है टिंडे। इनको मैं अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनको मैं छील लूँगी। ये देखिए, तो आप चाहें तो इनको पिलर से छील लीजिए या आप चाकू से छील लीजिए, क्योंकि बहुत मुलायम थे, बड़े हैं लेकिन बहुत मुलायम हैं, बीज वाले नहीं हैं। तो आप एक चीज़ जब कहीं खरीदें तो आप इस पर जब खरीदते टाइम उस पर नाखून से पिन कर दीजिए, तो उसमें पता चल जाएगा। इसके अगर स्किन सॉफ्ट होगी तो नाखून अंदर पूरे चला जाएगा। तो इस प्रकार से सारे टिंडों को छील लेंगे। छीलने के बाद इस टाइप से कट कर लेंगे और नीचे से हमको सेपरेट नहीं करना, नहीं तो हमारा मसाला जो स्टफिंग जो भरेंगे, जो जो मसाले भरेंगे, उससे बाहर हो जाएंगे। तो ये देखें, इसी प्रकार से सारे टिंडों को हम बीच से कट कर देंगे, चार भागों में डिवाइड कर देंगे। ये देखें, लेकिन इनको नीचे से सेपरेट नहीं करेंगे। फिर से आपको बता दूँ कि इनको नीचे से सेपरेट नहीं करना, नहीं तो मसाले नहीं भरते बनेंगे। और चलिए इसमें ट्विस्ट करने के लिए कर लेती हूँ तैयारी। तो सारे टिंडों को इस प्रकार से मैंने छीलने के बाद इनमें कट लगा लिया। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इनको फ्राई होने दीजिए। ये देखिए, हमने डाल दिया है। डालने के बाद कम से कम इनको 7 से 8 मिनट तक हमें ऐसे ही पकने दिया लो फ्लेम पर। एक अच्छा सा कलर आ गया, इसकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट हो गई थी। सॉफ्ट जब तक ये हमारे टिंडे पकने तक हमारे जो बेसिक मसाले उसमें डालते हैं। इसमें एक थोड़ा सा अलग सा मसाला डालूंगी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। कि यहाँ पर हल्दी और धनिया को हमने तवे में भून लिया है, और ज़्यादा आपको नहीं जला, मुश्किल से 10 सेकंड में ही पकने में लगे। तो यहाँ पर हमारे पास है मसाले, अचार का मसाला है, जीरा है जो भुना हुआ मसाला है, प्याज है मीडियम साइज़ का, और जीरे को हम समूचा डालेंगे। जीरा जब आप समूचा जीरा भुना हुआ डालते हैं, सच में इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमें ऐड कर दिया लाल मिर्च, नमक, अब इसको अच्छे से मिला देंगे। हींग मिलाया हुआ है, आप हींग मिला लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इस प्रकार से हमने सारे मसालों को आपस में मिला लिया, अच्छे से मैश कर लिया। यहाँ पर हमारे टिंडे भी रेडी हो रहे हैं। इसके बाद इनको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी गर्म है। और इनको बिल्कुल भी ठंडा ना करें, गुनगुने जब रह जाए तो इसी टाइम पर इनमें मसाला भर दीजिए, क्योंकि इनको हमें दोबारा फिर से पकाना है। और सच में फ्रेंड, जब आप इस टाइप से टिंडे बनाते हैं तो जो नहीं खाता वो भी मांग मांग के खाएगा। इतने अच्छे बनते हैं टिंडे, कुछ कहने को नहीं। ये देखें, तो इसमें एक अच्छे से कम ये हमारे 50 से 60% कुक हो चुके हैं। इसके बाद जो बाकी हुआ है वो आगे फिर से मैं फ्राई करने वाली हूँ, तब तक पक जाएंगे। तो हमने दूसरा तेल नहीं लिया है, उसी तेल में हमने फिर से उन्हीं टिंडों को फिर करने के बाद डाल दिया है, क्योंकि हमने तेल में फिर से ही पकाना है। इसके बाद फिर इनको मैं छोड़ दूँगी ढक के पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि इनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। धीरे से आप पकाइए, जल्दबाजी में ना पकाइए। ये देखिए, 10 से 15 मिनट बाद एक बार हमने टर्न किया था, और आपको फिर से टर्न करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। तो टिंडे हमारे सर्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये थोड़ी प्रेशर में थोड़ा सा धैर्य से पकने, आप इसको हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर ना पकाएं, लो फ्लेम पर पकाएं, बहुत अच्छे से पकते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से टिंडे बनाइएगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट किया करिए और सब्सक्राइब करें। और जो आपको क्या बोलते हैं, जो नई रेसिपी चाहिए आप हमको प्लीज़ ज़रूर बताया करें। और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखा करें, कमेंट किया करें, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।